हेलो बच्चों, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 बुक आपकी है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है। इसमें 7.2 क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है ना, आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसमें टोटल 6 पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, जिसने बेसिक जिसके फॉर्मूले याद है बिल्कुल अच्छे से कर सकता है वो। तो सबसे पहले देखिए, इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोस का डेरिवेटिव हमने आपको बता रखा है बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल आपका सेम रहेगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट टाइम हमने किसका किया, कोस का किया फंक्शन। ठीक है, अब करेंगे किसका, एंगल का। एंगल हमारे पास ये कंप्लीट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, ये सेम लिखेंगे, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, बिल्कुल सिंपल आ गया हमारे पास। ये देखिए, इसकी जो पावर है वो पावर आगे ले आएंगे 2, इसमें से एक पावर आप कम कर दोगे, 2 पावर है, कितनी पावर बचेगी, 1 पावर। और आगे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का। बेस क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, बाकी हम कर चुके कंप्लीट। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, माइनस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई जहाँ पे होगी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4x। उसके बाद ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया बच्चों। ऐसे हम देखिए अब इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वाई इज इक्वल टू सीकेंट 10x। ठीक है, सीकेंट एक्स, जो 10x को कंप्लीट यहां पे क्या है, एक्स है। ठीक है ना, सीकेंट एक्स। अब देखिए, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सीकेंट एक्स का रहेगा सीकेंट एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे जो x है वो हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर, 10x। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए इसमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, dy by dx। अब देखिए, secant x, secant x का मैंने क्या बताया, secant x इंटू 10x। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे secant x इंटू 10x, एक्स की वैल्यू क्या है, 10x है। अब उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा इसमें, 10x का। देखिए, सीकेंट एक्स इंटू 10x, अब डेरिवेटिव किसका, इसके एंगल का, 10x का। तो ये हम सेम लिख देंगे इसके अंदर, सीकेंट 10x इंटू 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा इसमें, सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो आपने याद करना है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही देखिए इसमें थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है इसके अंदर, वाई इज इक्वल टू साइन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो है मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो क्या है, इसका साइन का एंगल होगा ये। ठीक है, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव। सबसे पहले करेंगे फंक्शन का, साइन का। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपका क्या होगा इसमें, कोस, एंगल आपका सेम रहेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव किसका, रूट की वैल्यू का, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ तक आगे समझिए टॉपिक। देखिए उसके बाद क्या है, कोस, ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव कर चुके हैं इससे पहले स्टेप में।
अब डेरिवेटिव करेंगे रूट का, अब रूट का आ गया तो बिल्कुल ईजी बन गया ये, रूट का आ गया तो क्या करेंगे इसका, वन बाई टू टाइम जो फंक्शन हमारे पास है ये कंप्लीट सेम लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, इसके अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, ये वैल्यू सेम लिख देंगे यहाँ पे, कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड में दिस वैल्यू टू रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव हम करेंगे इसमें, यहाँ पे साइन का जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या होगा इसमें कोस एक्स, उसके बाद कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। अब देखिए इसका जो पार्ट फोर्थ है वाई इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन जो फंक्शन है साइन, साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा इसमें कोस, एंगल सेम रहेगा इसके अंदर। अब उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे इसमें, साइन का हमने कर दिया कोस, एंगल आपका सेम है इसके अंदर, अब करेंगे यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस वैल्यू सेम कोस कोस एक्स स्क्वायर इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम किसका करेंगे इसमें, देखिए हमने इस स्टेप में किया है कोस का माइनस साइन, ठीक है, एंगल आपका सेम है, अब करेंगे यहाँ पे जो एंगल है इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा इसमें टू एक्स होगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, इस वैल्यू को सेम लिख देंगे कोस कोस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ठीक है, इसको आप आगे भी ले सकते हो 2x को, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू कोस कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका है पार्ट फोर्थ ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने क्या करनी है इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप करोगे तो डेरिवेटिव सबसे आसान चैप्टर है प्लस टू क्लास के लिए, ठीक है। पर इसके जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपकी याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, वाई इज इक्वल टू कोस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सबसे पहले हम किसका करेंगे डेरिवेटिव, कोस एक्स का, वाई का डेरिवेटिव हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब उसके बाद डेरिवेटिव इस स्टेप में हमने क्या किया, ओनली साइन का किया है, साइन का माइनस का कोस, एंगल आपका सेम रहेगा, अब करेंगे इसमें एंगल का डेरिवेटिव ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये वैल्यू सेम माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो ए यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सेम लिखेंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है सेम लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसके अंदर। काफ़ी सिंपल सिंपल है आपके क्वेश्चन सारे, ठीक है ना, बस फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अब ऐसे देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका सिक्स पार्ट, वो करेंगे इसमें। अब आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो कवर कर लिया है इसमें, ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, संडे को आपको क्या रहेगा, जितना भी आपका काम करवाया जाएगा इस वीक में उसमें जितनी भी प्रॉब्लम होगी संडे को आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही करवाई जाएगी वहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई का, हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले करेंगे इस रूट का, रूट का क्या हो जाएगा वन बाई टू टाइम कंप्लीट फंक्शन साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर
हमने किसका कर दिया सबसे पहले, जो रूट है उसका हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब करेंगे किसका, फंक्शन साइन जो बेस है इसका, साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का। ये वैल्यू सेम, वन बाई टू टाइम दिस फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, ये एंगल सेम रहेगा साइन का, हमारे पास क्या हो जाएगा कोस, एंगल सेम, उसके बाद डेरिवेटिव एंगल का रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब ये दोनों वैल्यू सेम लिख देंगे, कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में दिस वैल्यू टू साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी रूट है, अब रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू टाइम दिस फंक्शन सेम वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा किसका होगा, देखिए हमने इस रूट का कर दिया डेरिवेटिव, ये आ गया। अब रूट के अंदर वैल्यू क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव, बाकी को तो सेम लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, कोस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में टू टू जा फोर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू सेम साइन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अब यहाँ आप देखिए वन क्या है, इसमें कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा आपका, जीरो रहता है, वो हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है वहाँ से हमने करवा दिया था आपको, ठीक है। फिर भी बता देते हैं वन का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, जैसे एक्स की पावर जीरो, वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होती है वन। अब इसका डेरिवेटिव जीरो पावर आ गया जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, अब यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई में तो क्या आंसर आएगा, इसका जीरो ही आएगा। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव हो क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, अब यहाँ से टू से ये कैंसिल हो जाएगा, अब जो बाकी बचेगा वो आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। तो हमारा देखिए जो ये टॉपिक है डेरिवेटिव का, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर हमने जो सेकंड है वो आपका कवर कर लिया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बाकी बच्चों अपने जो फ्रेंड है उनके पास इसको शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिले इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।